आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन पुलिस ने दो ड्रग पेडलर के साथ एक नाइजीरियन ड्रग सप्लायर को 1 किलो 122 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ से अधिक है। न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की खास रिपोर्ट। मोहन गार्डन थाने में पोस्टेड हेड कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल संदीप की सतर्कता से एक बहुत ही बड़ी खेप हीरोइन की वो मोहन गार्डन थाना पकड़ने में कामयाब रहा है, और इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 7 करोड़ के आसपास की जा रही है। 1 किलो और 122 ग्राम हीरोइन उन्होंने बरामद करी है। इसमें 2 पंजाब बेस्ड ड्रग पेडलर्स हैं और एक नाइजीरियन उसको अरेस्ट किया है। ये यहाँ से हीरोइन ले करके इनको पंजाब में सप्लाई करने का इनका प्लान था, और सब्सिक्वेंटली तीनों से टोटल मिलाकर के 1 किलो और 122 ग्राम हीरोइन सीज की गई है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसका सोर्स और कहाँ सप्लाई करने जा रहे थे उसके लिए लिंक करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।